क्वेश्चन नंबर 55, हाउ टू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, या तो अल्कोहल इज द हार्मफुल एज अ बेवरेज जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो कैसे कह सकते हैं? तो व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द इथेनॉल इज कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब अल्कोहल में आते हैं, तो ये जो भी है वो क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं किसको, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उसको स्लो करते हैं। मोर ओवर इट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो हमारी बॉडी की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी स्लो करते हैं। दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, ड्रोसीनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहेबिटर्स, एंड फाइनली इंडिविजुअल बिकम्स अनकॉन्शियस एंड लिदर्जिक। ओके, तो इससे क्या होता है कि मेंटल कन्फ्यूजन, फिर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, फिर नॉर्मली इनहेबिटेड मीन्स हमारी जो बॉडी की नॉर्मल चीजें होती है उसमें चेंज आ जाता है। द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स्ड बट डज नॉट रियलाइज दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड जो सेंस ऑफ टाइमिंग, फिर जो रिलैक्सेशन टाइम, या तो जब रिलैक्स होना है होता है वो सब टाइमिंग में भी क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। इंस्टेड ऑफ इथेनॉल इनटेक ऑफ मिथेनॉल इज वेरी स्मॉल अमाउंट कैन कॉज डेथ। अगर ये बात हो गई इथेनॉल की, तो इथेनॉल की जगह पे अगर मिथेनॉल की बात करेंगे तो उसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी जो है वो डेथ का कारण बन सकती है, बिकॉज मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल इन लीवर। तो वो क्या हो जाता है, मिथेनॉल लीवर के अंदर मिथेनॉल में से क्या चेंज हो जाता है, मिथेनॉल। मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड कॉग्युलेट द प्रोटोप्लास्ट मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिकल नर्व एंड कॉज ब्लाइंडनेस। तो मिथेनॉल से क्या होता है, तो हमारी ऑप्टिकल जी नर्वस सिस्टम होती है वो या तो ब्लाइंडनेस का भी कारण हो सकता है। तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज डेंजरियस टू द लिविंग बींग। When a large quantity of the ethanol consumed, जब large quantity of ethanol consumed होता है, तब हमारी जो body की जो metabolic process है उस पर effect होता है, body की central nervous system पे effect होता है, coordination जो होता है हमारी body का उसमें lack of coordination, mental confusion होता है, and body की जो हमारी normal habit होती है उसमें change आ जाता है, फिर coordination, muscular जो coordination होता है उसमें impaired, वो उसमें पैरिंग चली जाती है, मींस हमको जो चाहिए वो काम नहीं होता है बॉडी से। और अगर मिथेनॉल की जगह पे, इथेनॉल की जगह पे अगर मिथेनॉल लोगे तो वो मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बन जाएगा, और उसके कारण तो डेथ का भी कारण बन सकता है, फिर ब्लाइंडनेस और ये सब भी कारण इससे हो सकती है। तो इस कारण अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। ओके, एक्सप्लेन द यूज ऑफ अल्कोहल एज अ फ्यूल। तो सुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। सुगर कैन जूस इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोलेसिस व्हिच इज फर्मेंटेशन गिव्स अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी क्या देता है, वो इथेनॉल। सम कंट्री नाउ यूज अल्कोहल इथेनॉल एज अ एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल। तो पेट्रोल के अंदर अल्कोहल ऐड होता है तो वो क्या हो जाता है, फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल के क्लीनर के जैसा यूज होता है, और गिव्स राइज इन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, और विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशियंट एयर। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। अब प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, तो फर्स्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड आर फॉलो। इथेनोइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड हैविंग विनेगर लाइक ऑडर। The boiling point of the pure ethanoic acid is 391 Kelvin. Boiling point of the pure ethanoic acid is 391 Kelvin. The melting point of the pure ethanoic acid is 290 Kelvin. Boiling point 391 and melting point 290 Kelvin. Hence, it often freezes during winter in the cold climate. Therefore, it is also known as the ग्लेशियल एसिडिक एसिड। उसको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्रीज हो जाता है कब, ड्यूरिंग विंटर या तो कोल्ड क्लाइमेट में। 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, 5 to 8% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। 5 to 8% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इथेनोइक एसिड, ओके, 5 to 8% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वॉटर इज कॉल्ड विनेगर।
इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज इट आयोनाइज कम्प्लीटली. तो ये है वो आयोनाइज हो जाते कम्प्लीटली. फर्स्ट फिर से इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, कलरलेस है. फिर बॉइलिंग पॉइंट 391, मेल्टिंग पॉइंट 290. फिर कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है 5 to 8% सॉल्यूशन, जो विनेगर उसको बोलते हैं विनेगर. और ये वीक एसिड है इथेनोइक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. ओके okay.